गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम जो हैं चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना सेल। एंड आप लोगों को मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा लिखती हूँ दैट अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर दिया करो @megamehta547@gmail.com पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये चैप्टर है सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन ऑल ओवर द साइंस। ये बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रोपोर्शन को कैरी करता है। एज यू विल सी दैट दिस चैप्टर इज़ देयर इन 8th क्लास एज वेल एज इन 9th क्लास ऑल्सो। ठीक है, एंड दोनों ही क्लासेस में सेम ही चीज़ें बोली गई हैं, सेम ही चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा लिटल डिफरेंस होगा बट यस, इतना मेन डिस्टेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है। सो अब हम आते हैं कि चैप्टर बेसिकली है क्या। जब भी हम एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं, हम जब भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्लिक करता है दिमाग के अंदर सेल, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना वो हमेशा बेसिक चीज़ से बना हुआ है। और ये क्या है? मेरे पास सेल। ऐसे ही बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्या बना देगा? मेरे पास बन जाएगा टिश्यू। आफ्टर टिश्यू इट विल गो ऑन फ्रॉम एन ऑर्गन, देन उसके बाद वो ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर डेवलपिंग सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स दूज हु आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है ना, इट विल फॉर्म्स अ न्यूली एंड वेल डेवलप्ड एंड एक ऑर्गेनिज्म बन के मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो उसने वही चीज़ बोली। तो जो बेसिक है, अब तक जो मेरा बेसिक था वो क्या रहा? बेसिक इज़ ओनली द सेल, कि भाई मेरा जो सेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। फंडामेंटल यूनिट बोला गया है लाइफ का। फंडामेंटल यूनिट इसलिए बोला गया है बिकॉज ये जो है ना एक ब्रिक की तरह काम करेगा। एक ना स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी मैं आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट हैपेंस, देयर वाज वंस अपॉन अ टाइम, एंड क्या होता है ना, एक पर्सन होता है एंड पहले वो बहुत छोटी सी ना बोलते हैं ना बहुत छोटे से घर में रह रहा होता है। एंड धीरे 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 क्या होता है, उसकी फैमिली ग्रो करती है, उसकी फैमिली जो है नंबर्स ऑफ पर्सन इन अ सिंगल फैमिली वो इंक्रीज़ करते हैं। देन उसको वो स्पेस कम पड़ता है तो देन ही थिंक्स दैट वाई शुड आई डोंट मेक अ न्यू हाउस फॉर माई फैमिली। तो वो नया घर बनाने की कोशिश करता है। जब भी वो नया घर बनाना चाहता है तो वो फिर रियलाइज़ करता है दैट उसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए। ठीक है, एंड देन ही सीज दैट मेरा एक जो है सिंगल ब्रिक मुझे चाहिए। मतलब देखा जाए तो उसको क्या चाहिए? एक ब्रिक चाहिए है। ठीक है, एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए या फिर एक सिंगल सी बिल्डिंग, एक दीवार को भी खड़ा करने के लिए उसके पास बेसिक चीज़ उसको जो चाहिए थी वो क्या चाहिए थी? ब्रिक चाहिए थी। ठीक है, बहुत सारी ब्रिक्स लगी यहाँ पे मेरी इस तरह से, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रिक्स लगी हैं। एंड देन धीरे 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 उसने एक सिंगल वॉल खड़ी कर ली। आफ्टर फ्रेमिंग अ सिंगल वॉल चार दीवार खड़ी हो गई एंड देन एक कमरा बन गया। सिमिलरली जिस तरह से मेरे पास ब्रिक ने यहाँ पे उसकी स्टोरी के अंदर जिस तरह से उस पर्सन के लिए ब्रिक ने काम किया होगा, नींव की तरह काम किया और एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ के लिए काम करा, भाई उसके बिना वो चीज़ नहीं बन सकती है। सेम प्रोसेस में मेरा जो ऑर्गेनिज्म है वो बिना सेल के नहीं बन सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद गोइंग टूवर्ड्स द सेकेंड थिंग। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी सेल थ्योरी के बारे में कि एग्जैक्टली सेल थ्योरी क्या है या सेल थ्योरी के बारे में क्या क्या साइंटिस्ट बोलते हैं। देखो बहुत सारे सीरीज ऑफ साइंटिस्ट आए मेरे पास, शिल्डिन आए, शॉन आए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट थे, बॉटानिस्ट सॉरी ठीक है ना, बॉटानिस्ट आए मेरे पास बहुत सारे एंड जूलॉजिस्ट भी आए थे। एंड जूलॉजिस्ट बोटानिस्ट मिल करके उन्होंने क्या करा, थ्योरी निकाली और बेसिकली पूरी जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज थी उसका मेन कंक्लूजन निकल के आता है बहुत सारी थ्योरीज में से, और वही तीन पॉइंट्स निकल के आए थे। वन बाय वन देखेंगे क्या कहते हैं। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सिंपल सी चीज़ उसने क्या बोली कि कोई भी चीज़ है मेरे पास और वो लिविंग है तो वो या तो एक सेल से बनी होगी या तो बहुत सारे सेल से बनी होगी। ठीक है, सेकेंड उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ करा है द ऑल लिविंग थिंग्स या सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है ना, तो ये प्री एग्जिस्टिंग का सेल का मतलब क्या है, किस तरह से? सिंपल सा एक स्टोरी है। देखो हम लोग बर्थ लेते हैं जब भी, तो हम जब बर्थ लेते हैं ना तो हमारे प्रीवियस एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे पहले मॉम डैड इज़ देयर, मॉम डैड से ही हम प्रोड्यूस हुए, रिप्रोड्यूस हुए हैं। अब जो हमारे मम्मी पापा हैं वो लोग भी अपने खुद के मम्मी पापा, मतलब हमेशा कभी भी किसी भी चीज़ को रिप्रोड्यूस कराने के लिए, ग्रो कराने के लिए या फिर बर्थ देने के लिए एक पहला से एग्जिस्टिंग सेल होना चाहिए, मतलब वो चीज होनी चाहिए जो पहले से एग्जिस्ट करती है।
सो फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास सेल है. अब ये सेल जो है बहुत सारे सेक्शुअल मेथड भी यूज़ कर सकता है, ए सेक्शुअल मेथड भी यूज़ कर सकता है, वो डिपेंड करेगा सेल के ऊपर. ठीक है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा एंड वेन एवर ये जैसे जैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा वैसे वैसे जो है इसकी प्रोजनी इंक्रीज होती चले, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते चले जाएंगे. तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक तरह का बनाया मैंने. ठीक है, बाइनरी फिजन इज देयर, बडिंग इज देयर, ईस्ट फॉर्मेशन, स्पोरेंजियम्स आर देयर, बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं ना. जिस तरीके से प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होता है, एक नया सेल ग्रो करता है और वो क्या करेगा, बेसिकली अपने आप को डिवाइड ही कर रहा है, डिवीजन के बारे बाद ही वो नया आता है. देन उसने थर्ड चीज़ क्या बोली, सेल जो है क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मींस अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देना है, शेप देना है, या उसके जो जो फंक्शंस होंगे वो सारे के सारी चीज़ें उसको कौन प्रोवाइड करेगा, सेल. अभी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी दैट एक लड़का है उसको जो है घर खड़ा करना है, तो घर खड़ा करने के लिए क्या चाहिए, एक दीवार चाहिए. ठीक है, तो दीवार की शेप भी किस तरह की होगी वो भी कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करने वाला फैक्टर हो जाएगा मेरा ब्रिक. और यहाँ पे ब्रिक हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, सेल की तरह. ठीक है, तो सेल इज़ जस्ट द फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट हो जाएगी हमारी लाइफ की. देन वी केम टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखो टाइमलाइन दे रखी है बहुत सारी. एंटोन वॉन लॉनहुक आए थे मेरे पास 676 में. पीछे से चलते हैं, रॉबर्ट हुक आए सबसे पहले, उन्होंने क्या करा, डिस्कवर किया था सेल. इन्होंने माइक्रोस्कोप यूज़ किया था. ठीक है, माइक्रोस्कोप यूज़ करने के बाद इन्होंने कहा था कि भाई एक सेल होता है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल होता है. ये स्टोरी आप लोगों को पता होगी, सेवन्थ में भी बोला था. देन उसके बाद जो है एंटोन वॉन ल्यूनहोक आए, उन्होंने लिविंग सेल्स को ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने देखा था कि किस तरह से लिविंग सेल होते हैं. फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस डिस्क्राइब किया था कि भाई एक सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस नाम की भी चीज़ होती है. सो दिस इज़ जस्ट द ओवरऑल, ये मेरी पूरी टाइमलाइन थी. देन आते हैं सेल जो होता है ना बेटा, एक सिंगल, हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम सिंगल सेल से स्टार्ट करेंगे और सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, यूनि. यूनि का मतलब ही क्या होता है, सिंगलर. हमेशा सिंगल फॉर्म को हम लेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, यूग्लिना इज़ देयर, पैरामीशियम इज़ देयर. अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होगी तो यूग्लिना और पैरामीशियम दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोटोजोन्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, हाँ, प्रोटोजोआ है ये दोनों के दोनों. और ईस्ट जो है ये मेरे पास बैक्टीरिया के फॉर्म में आएगा जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें थी, आप लोगों को पता होना चाहिए हमेशा किस से बनी है, सिंगल सेल से बनी है और इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है. देन आफ्टर दैट वी केम्स टू द सेकेंड वन. सेकेंड वन पे आते हैं और यहाँ पे उसने क्या बोला है कि आफ्टर फ्रॉम द सिंपल वन से हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी पे बढ़ते चले जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे तो अभी उसने यहाँ पे क्या सिंपल सा हमें चीज़ बोल दिया कि कोई भी है मेरे पास अगर ऑर्गेनिज्म है, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, कोई भी है मेरे पास अगर, ये ऑर्गेनिज्म के बारे में ही हम जनरली बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक दो से या दो से ज़्यादा सेल से मिल करके बने हैं. ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. प्लांट्स आ गया, देन एनिमल्स, हम लोग भी आते हैं, सोशल एनिमल्स आते हैं, नॉर्मल एनिमल्स आते हैं. फंगस इज़ देयर, फंगस के बारे में भी आपको पता है कि जब हमने पांच तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में बात करी थी तो हमने बात करी थी कि फंगस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने फर्दर, इस पर आते हैं. थोड़ी सी स्लाइड आपको यहाँ पे, दो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स मैंने यहाँ पे चूज़ करी हैं, आपको बहुत इजीली दिख जाएगा. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए देखो यहाँ पे अगर आप लीफ का भी देते हो जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि एक सिंगल सेल इज देयर, वन सेल, टू सेल, थ्री सेल, फोर सेल, फाइव सेल, बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं और ये सारे सेल्स जुड़ने के बाद ही क्या बना रहे हैं, प्रॉपर मेरे पास स्ट्रक्चर बन के आया लीफ का. ठीक है, एट द सेम टाइम देखो यहाँ पे आपको कुछ ये हेक्सागोनल या पेंटागोनल शेप आपको दिखाई दे रही है, पर प्रॉपर हेक्सागोनल प्रॉपर पेंटागोनल नहीं है, बट यस, सो मैनी सेल्स आर देयर और बहुत सारे सेल्स के मिक्स हो जाने के बाद ही मेरे पास क्या बनता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनेगा. ठीक है, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. अब हम आते हैं मेसिक पार्ट पे आते हैं हम. तो यहाँ पे उसने बोला है कि सेकंड क्या है मेरे पास, साइज ऑफ द सेल. कि भाई अगर मेरा सेल है तो ना एक चीज़ याद रख लेना, जो सेल होता है वो बहुत वेरी करेगा, एक छोटा सा बिल्कुल माइन्यूट से लेकर के बहुत बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, तो इसके बारे में रीड आउट करते हैं. एक यूनिट है मेरे पास यहाँ पे यूज़ किया जाता है हमेशा, वो यूनिट कौन सी होती है, माइक्रोमीटर्स. हमेशा जब भी सेल को हम मेजर करेंगे तो हमेशा कौन सा लेंगे, हम माइक्रोमीटर्स में लेते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जाते हैं. माइक्रो देखो यहाँ पे वर्ड ही बता रहा है मेरे को, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ये वर्ड याद रख लेना, मैंने अपनी पहली भी वीडियोस में बताया हुआ है. जो ऑर्गेनिज़म्स बहुत माइक्रो होते हैं, टाइनी होते हैं, जो नेकेड आई से नहीं विजिबल होते,
उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, और उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स के थ्रू हम देख सकते हैं। देन देखो उसने बोला अगर छोटा है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट लेते तो साइज़ कितना हो जाएगा उसको, 0.1 माइक्रोमीटर। एग्जाम्पल उसने दे दिया माइकोप्लाज्मा का होता है और ये स्मॉलेस्ट होता है। देन वी केम टू द सेकेंड, ये आपको बड़ा बड़ा सा ना बहुत बहुत बड़ा सा ये एक दिखाई दे रहा होगा, और ये बिना देखे अगर बिना रीड करे भी बोलो तो पहचान जाओगे कि ये कौन सा एग है। ये ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है, बर्ड जिसको बोलते हैं। 18 सेंटीमीटर। देखो ये जो बहुत ना सोचने वाली बात है, अब ये मत बोलना कि मैम ये गलत तैर का है। बहुत सारी बुक्स में ना अलग अलग यूनिट्स लिखी होती है, कईयों की बुक्स में 16 मिलेगा, कहीं बुक्स में आपको 17 मिलेगा, कहीं बुक्स में आपको 18 मिलेगा, बट जो इसका एक्चुअल और एवरेज साइज़ होता है वो 17 से लेकर के 18 सेंटीमीटर्स तक का होता है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि जितना हमारा एक नॉर्मल स्केल होता है 15 सेंटीमीटर, उससे बड़ा एग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट एक वो था कि भाई साइज़ जो है वो छोटा भी हो सकता है और वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। देन यहाँ पे कुछ साइज़ दे रखे हैं, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन स्पर्म सेल है, उसका साइज़ होता है 5 माइक्रोमीटर्स होता है। ओवम है, एक्सेल होता है फीमेल्स की बॉडी में, वो 120 माइक्रोमीटर्स होता है। लॉन्गेस्ट सेल है ये, ठीक है। नर्व सेल के बारे में बात करी गई है, ये 1 मीटर्स का होता है। तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोग जस्ट इसको मेमोराइज भी कर लोगे तो हो जाएगा। लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, देर इज़ नो नीड टू क्रैम, बस समझना इन चीज़ों को। देन आते हैं, अगर जो है उसका बोला उसने कि भाई साइज़ अलग अलग होता है तो डेफिनेटली जो शेप होगा ना ये भी अलग होता है। ये चीज़ भी याद रखना आप लोग कि शेप भी जो होती है वो बहुत अलग होती है। सो ये जो अब आपको शेप्स दिखाई दे रही है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे शेप भी वेरी करता है, बहुत अलग अलग तरह की शेप्स हो जाती हैं, और ये वेरिएशंस बेसिकली क्यों होते हैं, बिकॉज उनका जो फंक्शन होता है, ठीक है ना। अब किसी ऑर्गेनिज्म की या किसी सेल की शेप अलग इसीलिए है बिकॉज उसको उस तरीके का काम करना है। अब जस्ट एग्जांपल की हम एक नर्व सेल के बारे में बात करते हैं। देखो नर्व सेल का अगर मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने उसको वाइडर कर दिया। नर्व सेल है ये, बहुत अलग अलग एरियाज पे जा रहा है, ठीक है। ये इनका काम क्या होता है कि ये मैसेजेस प्रोवाइड कर सके हर एक अलग अलग एरिया के अंदर, और जैसे जैसे मैसेजेस प्रोवाइड करने के लिए बेसिक पर्पस जो इनका मैसेज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कैरियर बोला जाता है, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, इसीलिए जो है इनका शेप इस तरह का है। डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, उसी के बेसिस पे जो है इनका क्या हो जाएगा, शेप आएगा। देन उसने बोला कि भाई बहुत सारे यहाँ पे होते हैं यूग्लिना का। आप देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करके आओगे ना तो आपने देखा होगा बैक्टीरिया भी अलग अलग शेप्स का होता है। फर्दर फिर यूग्लिना, पैरामीशियम, इनके भी शेप्स अलग है, फंगस का भी शेप अलग है। दीज आर ऑल द यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो देन वी केम टू द ह्यूमंस के ऊपर आते हैं। RBC सबको पता है, रेड ब्लड सेल्स है, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। इनको क्या, एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, ये लिख लो आप, मैं आपका कलर चेंज कर देती हूँ एंड देन यू विल बी एबल टू रीड दिस। हाँ, इरेथ्रोसाइट्स, ER इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। इनको रेड ब्लड सेल्स, साइंटिफिक टर्म्स में एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं इन्हें। एंड देखो ये जो है ना थोड़ा सा ओवल शेप में होता है, बाय कन्वेक्स होता है, ओवल होता है। बाय कन्वेक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, इस तरह का शेप होता है इसका, ठीक है। अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट और स्पंजी टाइप का होता है। ये चीज़ें उसने बोली। देन उसके बाद नर्व सेल के बारे में तो पता चल गया, इन्फॉर्मेशन पास करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, और वो इन्फॉर्मेशन उसके इम्पल्स के फॉर्म में होगा। देन आता है ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर आता है। वाइट ब्लड सेल्स के बारे में भी आप लोगों को पता है कि ये सोल्जर्स बोले जाते हैं, ठीक है ना। सोल्जर्स कहा जाता है इनको, ह्यूमन बॉडी का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमें, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से बहुत ईजिली डील कर सके। देन वी केम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर जो हमें कैसे पता चला है कैसे नहीं पता चला उसके बारे में। तो सेल का स्ट्रक्चर अगर हमें जानना है तो हमें डिटेल स्ट्रक्चर जो है डिटेलिंग करनी पड़ी माइक्रोस्कोप्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको 2 माइक्रोस्कोप्स दिखा रखे हैं, दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो स्कूल के अंदर बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, जिससे हम बेसिकली देखते हैं चीज़ें। एंड देन ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीफिकेशन, देखो हाई मैग्नीफिकेशन पावर इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में डील करते हैं, और मैं थोड़ा सा यही वाला पेज आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, जस्ट गिव अ सेकेंड टू मी। अब आ जाते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अलग अलग मार्जिन यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये एक आईपीस है मेरा, ये आईपीस होता है जहाँ से आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हो, ठीक है ना। देन ये नीचे देखो यहाँ पे मैग्नीफाइंग लेंस लगा रखे हैं, यहाँ पे आप 10x का भी लगा सकते हो, 40x का भी लगा सकते हो, 45x का भी लगा सकते हो। ये डिपेंड करेगा कितना मैग्नीफिकेशन हमें चाहिए,
देन उसके बाद हमारे पास नीचे देखो, उसके बाद ना एक एक प्लेट, ये प्लेट आपको दिखाई दे रही होगी। प्लेट बेसिकली क्या होता है ना, स्लाइड को रखने के लिए होता है स्टेबल पोजीशन पे। देन देयर इज एन, ये एक जो है कन्फाइनर होता है, जो है ये मिरर होता है यहाँ पे लगाया हुआ। मिरर की वजह से हम जो इतना भी लाइट होता है ना, उस लाइट को हम स्टेबलाइज करते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे ना, लाइट मेरी यहाँ से आती है और इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है इस फॉर्म में। देखो एरोस बनाएं, इस तरह से लाइट आएगी एंड देन रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी तो आई पीस जो ऊपर वाला इंसान होगा उसको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा जो भी चीज़ आप देख रहे हो। माइक्रोस्कोप इस तरह से काम करते हैं। देन एक सेकेंड, यहाँ पे जो है इसके राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा एक रोटेटर होता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ये वाले हैंडल को ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि हमारी जो विजिबिलिटी है आई की वो बैठ जाए। देखो हर एक इंसान की जो आई होती है ना, वो अलग अलग लेवल की होती है। कहीं की 6x5 होती है, कहीं की 5x6 होती है। सबका मेजरमेंट्स डायमेंशंस अलग होते हैं, तो उसको सेट करना होता है, ठीक है ना। एंड दीज ऑल अभी तक इतना ही बहुत है आप लोगों के लेवल पे। एंड देन सेम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें कैमरा होता है, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं फर्दर, इसके बारे में हम बाद में डील करेंगे थोड़ा सा हायर क्लासेस में आएंगे। तो नाउ अब आते हैं हम वन बाय वन करते हैं, एंड वन बाय वन हम बेसिक चीज़ पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये समझ में आ गया होगा आपको अब तक, ठीक है। तो बिफोर आई जस्ट थिंक बिफोर गोइंग टू दीज प्लांट्स और एनिमल सेल के ऊपर जाने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, की सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो गो थ्रू विद दिस। देखो माइक्रोस्कोप में देखने को मिल जाता है और हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, दैट एवरी सेल, कोई भी सेल है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना सेल नहीं बनाया जा सकता। न्यूक्लियस विल बी देयर, साइटोप्लाज्म विल बी देयर। साइटोप्लाज्म के अंदर भी बेनिफिट साइटोप्लाज्म में ना डिवाइड हो जाता है, एक हो जाएगा साइटोसोल, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें लिक्विड होगा, फ्लूइड होगा, और दूसरा होता है उसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो मेरे साइटोप्लाज्म के ही अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना देते हैं और उन कंपार्टमेंट्स में वो रिजाइड करते हैं। अब कौन कौन से जो है मेरे पास ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे आ जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्गी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे वन बाय वन अभी हम डील करेंगे, इन सबके साथ वन बाय वन चलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और क्या नहीं है। देखो आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ना बहुत क्लियर होगा इस पिक्चर के अंदर, आई होप सो। मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर देती हूँ आप लोगों के लिए, समझ में आ जाएगा। इसको एक बार रीड आउट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं ना वो थोड़ा सा हायर पढ़ रहे हैं, देन उनको दिक्कत आ रही है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, एक मैं डायग्रामेटिक व्यू बना रही हूँ, ये एक सेकेंड, इस तरह का कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये टेल्स है मेरे पास, एंड बिल्कुल इसी के अपोजिट इस तरह से जो है एक लेयर जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो लेयर मेरी बन रही है, ये वाली लेयर जो बन रही है, यही सेम चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये टेल्स जा रही हैं इसकी रेड रेड कलर की, एंड देन हेड इज़ देयर। हेड जो होता है ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ये कौन सा होगा, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये हाइड्रो, ये बेसिकली कौन सी, ये लिपिड बाय लेयर होती है, ये जो पूरी लेयर आपको ब्लू ब्लू कलर की दिख रही होगी, ये कौन सी लेयर है, लिपिड बाय लेयर लेयर होती है। लिपिड होते हैं वही जो फैट्स वगैरह हम लोग खाते हैं, ठीक है, उन्हीं से हमारी बॉडी भी सिंथेसाइज करती है बहुत सारी चीज़ों को, तो ये बेसिकली लिपिड होती है, लिपिड्स की बाय लेयर है। आप देखो बाय लेयर का कहने का मतलब क्या है ना, दो लेयर होती है, एक तो ये मेरी अपर लेयर और दूसरी मेरी है लोअर लेयर, ठीक है। अब जो ये इसमें क्या है, दो तरह के पॉइंट्स हैं इसके अंदर। एक पॉइंट है मेरे पास ये वाला रीजन, हेड वाला ग्लोबुलर हेड है, उसके बाद जो है ये ग्रीन कलर की टेल निकल रही है, ठीक है। इससे याद रखना कि मेरे पास ये जो ये वाला टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है ये मेरे पास, ठीक है। मेरे पास तो थोड़ा सा ये रीजन कम है, आपको समझ में आ जाए, हाइड्रोफोबिक है। इसको हम वाटर हेड्रेट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर हेड्रेट, मीन्स ये जो है लिक्विड से या बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे अलग अलग ही रहता है, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाली लेयर है ये मेरी हाइड्रोफिलिक हो जाएगी, यहाँ पे फिलिक लिख रही हूँ, हाइड्रो सेम ही रहेगा, फिलिक का मतलब होता है लविंग, लिक्विड लविंग, या साइटोप्लाज्म कोई भी लिक्विड होगा, कोई भी मैट्रिक्स होगा उसको लविंग पार्शन होगा, तो वो कहाँ हो जाएगा मेरे पास। तो ये तो मेरे अब तक थी सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देख रहे हो तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी आपको दिखाई दे रही होंगी। देखो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये इंटीग्रल
कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देखो ये इंटीग्रल कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ये जो चीज़ उसने बोली है ना ये एक सेकेंड मैं आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, विजन थोड़ा सा इसका बड़ा कर देती हूँ सो दैट आपको बहुत क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं बताती हूँ ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये जो सिंपल सिंपल हैं ये कोलेस्ट्रॉल्स हो सकते हैं, ग्लूकोज के कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है अंदर आता हुआ घुसता हुआ इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होते हैं दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक तो मेरे पास इंटीग्रल होते हैं जो अंदर घुस जाते हैं लेयर के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं आर पार हो जाते हैं, और दूसरे होते हैं पेरिफेरल मतलब वो जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर, ये देखो ये आपका ये वाला जो है ये पेरिफेरल प्रोटीन है ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारी हैं एंड देन वन बाय वन हम डील करेंगे इसके अंदर। सो कमिंग टू दिस, देखो अब थोड़ा सा रीड आउट करते हैं मेन मेन पॉइंट्स के ऊपर ही चलेंगे। इलास्टिक होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेमी परमेबल बोला जाता है, एक चीज़ याद रखना सेमी परमेबल इसको बोला जाता है, और सेमी परमेबल इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अंदर और आउट मूव करने में हेल्प करता है। मींस फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसके अंदर जाना है ये इसके बाहर जाना है, तो ये जो मूवमेंट इसकी इन और आउट होगी ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अलाउ करेगा, और ये बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरा जो है ग्लूकोज हो गया या कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो गई सिर्फ वही मेरे अंदर या आउट हो सकती हैं, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन हो सकता है अदरवाइज़ नहीं हो सकता, हर चीज़ को ये अलाउ नहीं करती है। दो लेयर्स होते हैं बता चुकी हूँ, लिपिड की बाई लेयर होती है, प्रोटीन्स होते हैं इनके ऊपर, फिर फ्लोटिंग फ्लोटिंग देखो फ्लोटिंग भी होते हैं, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, वो जो है क्या करते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरी कंपोजिशन बनाते हैं, ठीक है। थिकनेस कितनी होगी इसकी, 75 to 110 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ये वैसे तो कोई नहीं पूछता एट 8th and 9th लेवल बट स्टिल फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड मेन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, शेप एंड साइज को बना के रखेगा, टर्गिडिटी बना के रखता है इसकी, रिजिडिटी बना के रखेगा बेसिकली, रिजिडिटी मतलब एक हार्डनेस बना के रखता है एक शेप का, टर्गिट लेवल होता है ना मतलब कि अंदर पानी का प्रेशर कितना है वो टर्गिडिटी बना के रखता है, ठीक है। प्रेशर ऑफ द वाटर या प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा जो साइटोप्लाज्म है उसको मेंटेन करके रखेगा। देन आते हैं इंटरनल कंटेंट, जो भी सेल के अंदर की चीज़ें हैं उनको भी हेल्प करता है, उनको भी मेंटेन करके रखता है। एंट्री और एग्जिट सब, यस मैंने ये चीज़ बोली कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसकी एंट्री हो रही है उसकी एग्जिट हो रही है उसको मेंटेन करेगा। एंड सेकेंडली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हीमोस्टासिस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। हीमोस्टासिस क्या है ना, बैलेंस होता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है मेरे सेल के अंदर का और सेल के बाहर का, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ख़राब नहीं होती हैं, सेल मेरे रप्चर नहीं होते। देन सेकंड पे आते हैं, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर सेल के ऊपर ये सेल वॉल होती है, नहीं ज़रूरी नहीं है, कुछ ही सेल्स होते हैं तो एनिमल सेल्स है, एनिमल सेल के अंदर जो है ना हमारा जो है सेल वॉल हमें देखने को नहीं मिलता, बट प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता, ठीक है। बट सिंस अब हम आते हैं इसके ऊपर आते हैं, देखो सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग एंड आउटरमोस्ट कवरिंग है हमेशा। अब मैंने एक पहले कंसेप्ट समझो कि मेरे पास क्या है ना, एक रूम है और ये रूम फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रूम है, ठीक है, और रूम को मैंने क्या करा डबल लेयर कर दी है, मैं यहाँ पे अभी डबलिंग कर रही हूँ उसकी लेयर, ये देखो ये मैंने डबलिंग कर दिया लेयर की, तो मेरी जो ऑरेंज कलर की है ये मेरे पास हो जाएगी सेल वॉल, ठीक है। एंड ये जो ब्लू कलर की है ये मेरे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, इस तरह से याद रखना जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो कौन सी होगी, सेल वॉल है। तो सेल वॉल अगर मेरी आउटर है तो इसका फंक्शन मुझे अपने आप समझ में आ जाता है कि कैसी होगी, टफ होगी और रिजिड होगी, मतलब किसी भी चीज़ को हार्डनेस प्रोवाइड करनी है तो वो कैसा हो जाएगा, टफ हो जाएगा। आप सब लोगों ने नारियल देखा है ना, हम नारियल खाते हो तो जो बाहर का उसका सब्सटेंस होता है वो कितना हार्ड होता है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है ऐसा मेरे पास हार्डनेस के लिए बेसिकली वो फाइबर्स ऐसे प्रेजेंट है या बोल लो उसके टिश्यूज हैं या डेड सेल्स आर देयर, ठीक है। प्लांट एंड बैक्टीरिया सेल्स के अंदर होते हैं बेसिकली, ये टफ होते हैं, रिजिड होंगे, फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। मनी प्लांट आपने देखा होगा, मनी प्लांट फ्लेक्सिबल होता है ना, गिरता रहता है दूसरों के ऊपर, हम बोलते हैं कि भाई वो लटकता है नीचे, ठीक है। सेल्यूलोज, देखो सेल्यूलोज क्या होता है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के बाद बनता है। देखो सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद हो तो C6H12 और एक O6 होता है, ये मेरे पास फार्मूला होता है। C6 है मतलब कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स है, कार्बन के कितने एटम्स है, 6 है, ठीक है, मतलब 6 एटम्स को मिलाने के बाद मेरे पास एक बना ग्लूकोज। अब इसी को मैंने दूसरे ग्लूकोज से मैच कर दिया, इसी को फर्दर ग्लूकोज से, मतलब बहुत सारे जब मेरे ग्लूकोज मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, मेरी एक बहुत बड़ी पॉलीहाइड्रस चेन बन जाती है, कार्बोहाइड्रेट की बहुत पॉलीहाइड्रस बनता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
सेल्यूलोज बन जाता है. सिमिलरली हेमी सेल्यूलोज भी मेरा वैसे ही बनेगा. बहुत हार्ड होता है ये सब बेसिस, ठीक है. एंड पेक्टिन, पेक्टिन फर्दर मतलब सेल्यूलोज, फिर ये सारी चीज़ें क्या हैं देखा जाए तो मेरे बहुत सारे स्टार्च हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपने पता होगा, पढ़ा होगा ना, अलग अलग तरह के होते हैं. स्टार्च है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है. ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन करते हैं. कम्बिनेशन करने के बाद क्या करेंगे, ये हाईली कॉम्प्लेक्स लेवल बना देते हैं. अब ये सारे के सारे ब्रांचिंग के अंदर होते हैं. इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, डो नॉट बी वरी फॉर दैट. ये चीज़ें आपको क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. देन आते हैं, थिक होती है, ऑब्वियसली बात है, अगर किसी भी चीज़ को हार्डनेस प्रोवाइड करनी है तो थिक होनी बहुत ज़रूरी है. मल्टी लेयर हो जाती है ये, और थिकनेस कितनी वेरी करेगी वो देख लेना, ठीक है. अब आते हैं, देखो पतली पतली यहाँ पे लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी. ये पेक्टिन है मेरे पास, एंड देन ग्रीन कलर का सेल्यूलोज इज देयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको नीचे दिखाई दे गया होगा, अरे कि हमें सेल्यूलोज है. रेड कलर के आपस में जो गुच्छे की तरह है, ठीक है. तो इस तरह से होते हैं हमारे पास. फंक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. शेप प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ देगा, रिजिडिटी आती है एक, ठीक है. मेरे किसी भी सेल को ड्राई होने से बचाता है, डेसिकेशन नहीं होने देता, उसको टूटने नहीं देता, बिखरने नहीं देता है. एक्सपेंशन, अगर हद से ज़्यादा एक्सपेंशन है तो उसको भी बचाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया ना, एक बलून ले लिया, एंड यू जस्ट स्टार्टेड ब्लोइंग इन टू दैट बलून, एंड एक लेवल पर आके क्या होगा ना, वो बलून बर्स्ट हो जाएगा. तो उसकी जो बर्स्टिंग है वो भी कौन बचाएगा, मेरा सेल वॉल. सेल वॉल उसको ज़्यादा जो है नहीं फूलने देगा, उसको ज़्यादा नहीं ब्लो करने देगा, एंड देन उस वजह से वो जो है आगे जाके बर्स्ट भी नहीं होगा. बाहर के जो पैथोजेंस होते हैं, देखो अभी जो सिनारियो चल रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है एंड कोरोना वायरस इज देयर, कोरोना वायरस है तो क्या है, एक पैथोजन ही तो है, ठीक है. मींस देखा जाए तो एक एंटीजन है जो वायरस, या फिर सिंपल बोल लो एक बाहर की बॉडी है जो वायरस कंटेन कर रहा है, और जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर जाएगा तो मेरी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगा. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी जो है एक कवरिंग कौन प्रोवाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे को सेल वॉल प्रोवाइड कर रहा है, कि सेल वॉल उन पैथोजेंस को भी अंदर एंट्री नहीं देता है. आफ्टर दैट थर्ड मेरे पास ऑर्गेनल आता है. यहाँ पे वन बाय वन चल रहे हैं, डिटेलिंग में ही बात कर रहे हैं. ये देखो अभी आपको ना राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे पास सिंपल सा, अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ, यू विल बी एबल टू सी ऑल दी ऑर्गेनल्स, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको और भी दिख जाएंगी. देखो मेरे पास यहाँ पे देखो तो आपको डबल लेयर की ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही होगी, एक इनर लेयर है और एक ये आउटर लेयर है, ठीक है. इनर लेयर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, आउटर लेयर मेरी सेल वॉल हो गई है. एंड आफ्टर दैट अभी हम तीसरे टॉपिक पर बात करें, न्यूक्लियस. दिस इज़ माई न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस इज देयर, या न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, देखो न्यूक्लियस है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके सेंटर पे होती है. आप देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं. देखो क्या बोला है, डेंस होगा, भरा हुआ होता है, स्फेरिकल बॉडी है. सर्कुलर नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन होता है कि सर्कुलर में और स्फेरिकल में क्या डिफरेंस है. ये स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है ना. सेंटर ऑफ द सेल हमेशा देखोगे तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल सबसे बड़ा होता है, तो वहाँ पे वो सेंटर पे नहीं होगा, बट इन एनिमल सेल ये कहाँ पे, सेंटर पे आएगा, ठीक है. डायामीटर देख लेना इसका, 10-25 माइक्रोमीटर्स का होगा. अब न्यूक्लियस ऐसी चीज़ है जो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, हर सेल में. ऐसा कोई भी सेल नहीं होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, और अगर ऐसा कोई सेल है तो वो बहुत ही हार्डली होगा, ठीक है ना. अब आते हैं प्रेजेंट एक्सेप्ट, देखो ये मैंने अभी बोला ना, रेड ब्लड सेल कोई ऐसा एक्सेप्शन केसेस ही होंगे जहाँ पे मेरा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा. तो एक्सेप्शन आ गया, रेड ब्लड सेल्स है, सीव ट्यूब्स है हमारे पास, इनके अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. देन आते हैं वेल डेवलप्ड प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर, तो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है. अब अगेन ये जो है बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है. देन अगेन आ जाओ, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है. बहुत सारे होते हैं यूनी न्यूक्लिएट, मतलब यूनी न्यूक्लिएट सेल्स होने का मतलब क्या है कि एक ये वाला सेल है उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस है, तो उसको बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएट. और बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे मोर देन वन और मोर न्यूक्लियस होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएटेड, मतलब बहुत सारे होते हैं. आप देखो स्केलेटल मसल्स, आप देखोगे ना स्केलेटल मसल्स बनाओगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, और उसमें बहुत सारे हमारे पास देखो डॉट्स डॉट्स से रिप्रेजेंटेशन हो रही है. तो ये सारी क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस है. एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, ठीक है. सो कमिंग टू ये, तो आप जनरल बात करी, अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में फर्दर बात करते हैं, ठीक है. तो जिस तरह से मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने देखा कि डबल लेयर होता है, सिमिलरली न्यूक्लियस भी है ना, मेरा एक कवरिंग से होता है. मींस फॉर एग्जांपल कि मेरे को किसी को लेटर देना है और वो लेटर मैं हमेशा एक एनवेलप में डाल के देती हूँ, तो बिल्कुल सेम है. अंदर का पोर्शन न्यूक्लियस है और उसकी जो आउटर कवरिंग होगी वो किस तरह से होगी, एनवेलप का काम करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप. इसका बारे में समझ में आ गया होगा. ये भी डबल लेयर होता है,
इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा और उसके फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जो अंदर के मटेरियल को रखेगा। देन क्रोमैटिड है, क्रोमैटिन है, ये क्या होता है, फाइब्रस थ्रेड्स होते हैं, मतलब मेरा जितना भी क्रोमोसोमल है, जितनी भी जेनेटिक मटेरियल है मेरे बॉडी के अंदर, इन्फॉर्मेशन है, उन सबको कौन कैरी कर रहा है, क्रोमैटिन, ठीक है। और ये क्रोमैटिन बहुत थ्रेड्स के फॉर्म में आएगा, अभी एक और मेरी स्लाइड है इसके आगे, उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है। न्यूक्लियोलस देखो यहाँ पे आपको रेड रेड कलर का बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहा होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरी यहीं स्टोर होती है। एंड देन न्यूक्लियर पोर्स, देखो छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगेन न्यूक्लियस के इन और आउट की जो जो है जो उसको बोलते हैं कि भाई अलाउ करेगा, ये भी कौन अलाउ करता है, इसको न्यूक्लियर पोर्स अलाउ करेंगे, ठीक है। सो जस्ट गोइंग थ्रू हम फटाफट देख लेते हैं क्या उसने बोला, डबल लेयर है, इसको भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। डायामीटर देख लेना 80 to 100 नैनोमीटर्स तक की होती हैं। कलरलेस है, यहाँ पे ऑरेंज कलर का है, दिमाग में सेटअप मत कर लेना कि ऑरेंज कलर का होगा, नहीं, ये हमेशा कलरलेस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होगा, फ्लूइड होता है हमेशा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर राउंड शेप है, न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स के अंदर ही बेसिक क्या चीज़ होती है, डीएनए, डीएनए बोला था मैंने अभी, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, अभी समझाऊंगी इसको फर्दर आगे वाली उसमें। कंडेंस इसको थोड़ा सा खोल दो, तब देखो हुआ क्या ना कि मेरे पास एक ईयरफोन्स थे, यानी ईयरफोन्स को मैंने बहुत ही ज़्यादा कोयल करके रख दिया, ठीक है। और जब मैंने उसको कोयल कर दिया तो वो क्या एक गूचड़ मूचड़, मतलब एक मेरे को ऐसा सा मटेरियल मिल जाएगा जो सॉल्व करना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बट जैसे ही मैं उसको सॉल्व कर दूंगी, कंडेंस कर दिया मैंने उसको, क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया मैंने उसको, खोल दिया पूरी तरह से, अनवाइंडिंग कर दिया, तो उसको कंडेंसिएशन कर दिया। और जैसे ही कंडेंस करूँगी तो मेरे उस क्रोमैटिन में से क्या चीज़ मेरे को विजिबल हो जाएगी, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को अगर रिप्रोड्यूस कराना है तो उसके बारे में। देखो यहाँ पे अब आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ ना, कि मेरा जो क्रोमैटिन फाइबर था इस तरह का था, इसको कंडेंस करोगे तो ये एक्स तरह का आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा, ठीक है। ये एक्स फॉर्म में आपको दिख रहा होगा क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली क्या होगा, मेरा डीएनए इसके अंदर ना स्टोर है। देखो इस पे आ जाओ, ये आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, डीएनए इज़ देयर, डीएनए ओ फर्दर कॉइलिंग हो रही है, कॉइलिंग हो रही है, ये हिस्टोन्स आ गया। अब इसकी कैसे होती है कि मतलब एक मेरे पास हिस्टोन है और हिस्टोन के ऊपर क्या कर दिया, हिस्टोन के ऊपर ये एक सेकेंड, ये ग्रीन ग्रीन कलर की कोटिंग आ गई, मतलब ये क्या करा, ये डीएनए ने रैप कर लिया। हिस्टोन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए मेरा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो उसमें जस्ट एक ला लो कि आपने एक बॉल ले लिया और बॉल के ऊपर थ्रेड को कॉइल कर रहे हो, इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा, ये मेरे पास जो है बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। एंड इसको फर्दर और सुपर कॉइलिंग कर दोगे तो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एंड जैसे इसको कंडेंस करोगे तो यू विल हैव दिस क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम में मेरा इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा। देखो लिखा हुआ है फर्दर यहाँ पे, इसको रीड आउट करो, क्रोमोसोम्स कंटेन स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स, जीन्स होगा वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली है। आप सबको पता है हाफ केम्स फ्रॉम दी मदर एंड हाफ केम्स फ्रॉम दी फादर, तो टोटल कंपोजिशन मेरा किसने बना दिया, दोनों पेरेंट्स ने मिलकर बनाया, 50-50% दोनों का कंस्ट्रक्शन होगा मेरे पास। जीन ट्रांसफर हो रहा है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, यही चीज़ बताई कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन जाती है तो बाय द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियस जाएगी। देन आते हैं फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, फंक्शंस क्या कहते हैं, हमेशा इसको क्या बोलते हैं, हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज जितनी भी मेरे फंक्शंस होते हैं, जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस करता है। मेटाबॉलिज्म कर लो, प्रोटीन सिंथेसिस है, ग्रो करना है, सेल डिवाइड करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस टाइम पे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस डिसाइड करता है, ठीक है। देन न्यूक्लियोलस मैंने आपको दिखाया था कि एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखो ये वाली जो स्लाइड है इसके अंदर आपको ऑरेंज कलर का ही दिखाई देगा न्यूक्लियोलस, और इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, आरएनए, ठीक है, इसके अंदर होता है आरएनए, आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये चीज़ याद रखना, डीएनए इज़ डिफरेंट थिंग। इन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो मेरा डीएनए स्टोर करता है, बट अगर हम वायरसेस के अंदर आते हैं, अभी तो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि वायरस क्या होते हैं, कोरोना वायरस का नाम सुन सुन के पता चल गया होगा, तो उनका जो डीएनए होता है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कौन सा होता है, आरएनए होता है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और बेसिकली ये राइबोसोम्स, हमारी बॉडी के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं जो कि प्रोटीन बनाने के काम आते हैं, उसको बनाएगा ये फर्दर। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, जीन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेगा, पास भी करता है, हेरिडेट भी करता है, एंड एट द सेकेंड टाइम में इन्फॉर्मेशन भी देता है,
ठीक है. देन वी केम टू द थर्ड पार्ट, द साइटोप्लाज्म. देखो प्लाज्म से ही याद रखना कि प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड. अभी ना आपने रिसेंटली सुना होगा कोरोना वायरस के केस में हम कौन सी थेरेपी दे रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी. ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या होता है ना कि जो भी ब्लड होगा उसके अंदर जितना भी वाटर पोर्शन होगा, जो भी लिक्विड पोर्शन होता है, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं. ठीक है, वो जो लिक्विड पोर्शन जब भी हम बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्लाज्मा. साइटोप्लाज्म है मतलब जो सेल के अंदर का खाली स्पेस है उसके अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म. देखो यहाँ पे आपको बहुत ईजिली दिख रहा होगा. ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या कहता है. 80% ऑफ वाटर होता है, ये हमेशा याद रखना. 80% ऑफ वाटर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में भी प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है. तो ये ऑल ओवर जितना भी मेरा सेल है ना, जब हम बोलते हैं ना कि जो ह्यूमन बॉडी है 75 या 71% वो वाटर से बनी हुई है, वो इसीलिए बिकॉज मेरा एक सिंगल सेल, मैक्सिमम सिंगल सेल भी किससे बना है, वाटर से बना है. तो बेटा आप जस्ट सोच लो कि हमारी बॉडी के लिए वाटर कितना ज़रूरी है. ठीक है, क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है इसके अंदर, साइटोसोल बोलेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स भी होते हैं फर्दर. अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मेरा जो साइटोप्लाज्म है ना वो भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रूम है और उस रूम में मैंने अलग अलग जगह जगह पे कुछ ना कुछ रख दिया. तो हुआ क्या, मेरे जो रूम के अंदर की स्पेस है वो थोड़ी सी डिवाइड हो जाती है, कम हो जाती है. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ, देखो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, थोड़ा सा बिग व्यू कर देती हूँ आप लोगों के लिए. देखो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा ये साइटोप्लाज्म इज़ देयर. ठीक है, देन दिस इज अनदर थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ देयर, ये गॉल्गी अपैरेटस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है. मतलब मेरा ऑल ओवर जो साइटोप्लाज्म है वो भी भरा पड़ा है अलग अलग चीज़ों से. तो अब कमिंग टू दैट पॉइंट, इसके ऊपर आते हैं. ठीक है, हाँ अब आते हैं इसके ऊपर. बेसिकली क्या कह रहा है ये, लिक्विड पोर्शन होगा, प्रोटीन्स जो है, जितने भी प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें मेरी मूव करेंगी, इन और आउट मूव करती हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनल्स दैट इज प्रेजेंट इन साइड दिस सेल. सेल से बाहर, सेल के अंदर, ये सारी चीज़ों को अलाउ करेगा मूवमेंट. स्ट्रक्चर फंक्शंस अलग अलग होते हैं, ये विजिबल. देखो यहाँ पे उसने बोला ये ऑर्गेनल्स विजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप भी यूज़ करोगे तो भी दिख जाएगा आपको. ग्रैनुलर डेंस होते हैं एनिमल्स के अंदर. तो ये तो जनरल चीज़ें थी, अब हम बात करते हैं. अब हम आते हैं, देखो एक चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थोड़ा सा न्यूक्लियस पे आते हैं. देखो ये वाला अगर आप देखोगे तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कुछ मेरे ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो मेरे होते हैं मेम्ब्रेन, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सुन लेना ध्यान से, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है, कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो मेरे न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं. ठीक है, और उसको बोलते हैं हम एंडो मेम्ब्रेनस, या फिर बोल लो कि भाई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं, एंडो ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है, एंडो ऑर्गेनल्स का मतलब ये वो वाले ऑर्गेनल्स है जो मेरे किसी एक मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो न्यूक्लियस के साथ मेरा एंडोप्लाज्मिक ब्लू कलर का बहुत ईजिली जुड़ा हुआ है. देन मेरा जो है गॉल्गी अपैरेटस भी ये साथ में आपको दिखाई दे रहा है. खैर ये है तो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ये मेरा दूसरा होगा, ये दूसरा होगा. तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मेरे किससे जुड़े हुए होते हैं, और जो भी मेरे अटैच्ड होंगे उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, सॉरी रेटिकुलम बोल दिया मैंने, वो एंडो ऑर्गेनल्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट. अब एक बार थोड़ा सा ना इस डायग्राम को पहले देखते हैं एंड देन हम थोड़ा सा आगे चलेंगे. ठीक है, जस्ट अ व्यू. देखो ये सेंटर में मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर थी, ये वाली जो मेरी आउटर, ये बोलो कि न्यूक्लियर एनवलप की जो मेम्ब्रेन थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, उसके साथ ही अटैच होके ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मूव कर रहा है पूरा ऑल टुगेदर. अब इसके ऊपर देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको. ठीक है, अब इसके ऊपर डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, राइबोसोम्स. और राइबोसोम्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए. हमारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन बनेगा वो कौन बनाएगा, बिकॉज जस्ट ऑफ दी राइबोसोम्स. और ये आरएनए में हेल्प करेंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए. ठीक है, आरएनए को हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए. अब देखो उसने फर्दर यहाँ पे क्या बोला, अब मेरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी दो तरह का होता है, एक आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक एसईआर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, आई नो ये जो वीडियो थोड़ी सी लंबी चलेगी बिकॉज ये थोड़ा सा चैप्टर बहुत है ऐसा, तो आप
थोड़ा सा सब्र बना के रखो, ठीक है ना। देन वी केम्स टू दी, ये मेरे पास आ गया। आप देखो यहाँ पे इसके बारे में, नेटवर्क है, ट्यूब्यूल्स होते हैं हमेशा किस फॉर्म में होंगे, ट्यूब्यूल्स के अंदर होंगे। वेसिकुलर का मतलब है जाल बिछा हुआ होगा, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। देखो लिखा भी है इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे उसने क्या बोल दिया भाई, वेसिकुलर फॉर्म में है, आपस में कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एंडो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोला जाता है। दो तरह के होंगे, स्मूथ एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसके अंदर, और रफ में राइबोसोम्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। फंक्शंस पे आते हैं। अब देखो फंक्शंस क्या है, साइटोप्लाज्म को हेल्प करेगा, सपोर्ट करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। स्मूथ का काम क्या है, जितने भी हॉर्मोन्स मेरी बॉडी में बन रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, लिपिड्स बन रहा है, उनको कौन सिंथेसाइज करा रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्दर ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। देखो डिटॉक्सिफिकेशन का काम क्या है, मतलब जितने भी मेरी बॉडी के अंदर पॉइजनस चीज़ें हैं या मेरी बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें हैं जिसको मेरी बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए, तो उसको भी एलिमिनेट कराएगा। और कौन एलिमिनेट कराएगा, मेरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कौन से सेल का ऑर्गेनल का होगा, लिवर का होगा। आपको पता है बोला जाता है ना कि जो लिवर है ना मेरा, वो एक ऐसा ऑर्गन है पूरी बॉडी के अंदर जो खुद को दोबारा से रिवाइव कर सकता है, मतलब खुद को दोबारा से ग्रो कर सकता है। तो ये इसी वजह से, बिकॉज इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करेगा, सारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन करता है, पॉइजनस चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालेगा। अब देखो उसने लास्ट क्या बोला, मसल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर देयर, वो कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखेंगे। अब ये जो कैल्शियम आयंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बहुत ईजिली समझा दूंगी कि क्यों मेरे कैल्शियम आयंस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन आते हैं गॉल्जी अपैरेटस के साथ। इसको देखो बहुत अलग अलग वेरियस नाम दिए, तो गॉल्जी अपैरेटस है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है, गॉल्जी बॉडी है, कुछ भी नाम से बुला लो, एक ही मतलब है, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ से अगर स्टार्ट करें ना, बिल्कुल इस एंड से, तो आपको एक सिस फेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंड धीरे 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 आपको यहाँ पे बिल्कुल ये जो फेस दिखाई दे रहा है, ये कुछ और फेस है, सिस्टर्नेस बन रहे हैं ये। देखो मैं अगर थोड़ा सा बनाऊँ तो ये इस तरह का आपको आपकी बुक्स में इस तरह का देखने को मिलेगा। ये दोनों फेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक फेस मेरा सिस फेस होगा और एक मेरा कौन सा फेस होगा, ट्रांस फेस। ये चीज़ याद रख लेना, सिस फेस हमेशा मेरे किससे कनेक्ट होगा, टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मेरा कनेक्टेड होगा, और ट्रांस फेस जो है मेरे साइटोप्लाज्म को फेस करता हुआ होगा। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं, ये भी वेसिकल्स की फॉर्म में होता है, इसके अंदर भी वेसिकल्स होते हैं। एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ये क्या बनाता है, वेसिकल्स बना देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं एंड देन देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है ये, किसने डिस्कवर किया था। कैमिलो गॉल्गी, कैमिलो साइंटिस्ट थे, एंड देन उन्हीं के नेम पे हमने इसका नाम रख दिया कैमिलो गॉल्गी, ठीक है। एंड फॉर्म स्टैक्स बनाए थे, 5 से 8 मेम्ब्रेनस स्टैक्स बनते। देखो अगर आप देख रहे हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 से 8 बोली थी, तो 5 to 10 भी हो सकती हैं, 5 से 8 भी हो सकती है, स्टैक्स होती है। स्टैक का मतलब जिस तरह से आप एक नोटबुक के ऊपर नोटबुक रखते हो, बिल्कुल वैसे ही अपेयरेंस होता है, स्टैक होता है, स्टैक होता है, ठीक है। फ्लैटेंड होता है, और बिल्कुल दो एंड्स, जो एक मैंने आपको बताया कि ये वाला एंड होगा और एक ये वाला एंड होगा, ये राउंडेड फॉर्म में होता है, और बीच वाला जो है ये फ्लैटेंड एंड होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, छोटी छोटी हैं पर इंपॉर्टेंट है। सिस फेस होगा जो कि जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहा होगा, ट्रांस फेस है जो कि सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो दूसरा साइटोप्लाज्म वाला मेरा सिस्टम होगा उसको फेस कर रहा होगा, ठीक है। फंक्शंस पे आते हैं, मॉडिफाई करेगा हमेशा चीज़ों को, क्या करेगा, मॉडिफाई करता है। अब देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या था ना, ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी करता है, कि न्यूक्लियस से अगर किसी एक चीज़ को बाहर आना है तो न्यूक्लियस से वो चीज़ बाहर आएगी तो किसकी हेल्प लेगी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो जो भी चीज़ बाहर आई है वहाँ से, तो मॉडिफाई होगी, उसको मटेरियल को पैक किया जाएगा। पैकेजिंग में सबसे बड़ा काम आता है ये, हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम के लिए जाना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पैकेजिंग। पैकिंग करता है खाने को, पैक करेगा, और जो भी सेल के अंदर बना होगा उसको पैक करेगा, किस फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में पैक कर देगा, और वेसिकल जो है उस एरिया पे, उस जगह पे चली जाएगी जहाँ पे उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होगी। देखो डिलीवर कर रहा है मटेरियल्स वेरियस अलग अलग टारगेट्स पे चला जाएगा, सेल के अंदर या सेल के बाहर जहाँ भी नीड होगी उन सब चीज़ों की। वेसिकल्स बनाते हैं, वैक्यूल्स बनाते हैं, वेसिकल्स बनाते हैं, एंड एक लाइसोसोम्स भी बनाते हैं। नाउ कम्स टू दिस इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइसोसोम्स भी बनाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड मेरी इसी की। देखो ये आपको दिखाई देगा होगा किस तरह से, मैंने आपको बोला भी था कि एक फेस मेरा न्यूक्लियर के साथ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है। देखो ये छोटे छोटे वेसिकल्स बन रहे हैं, आपको अगर ये दिखाई दे रहे हो, कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने
काटा हुआ है, मतलब इसको हमने बीच में से डिवाइड करके दिखाया हुआ है, और ये जो मेरे वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स के अंदर क्या चीज़ है, लाइसोसोम्स। ठीक है, अब हमें लाइसोसोम्स के बारे में बात करें तो वी केम्स टू दिस पोर्शन। देखो लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे, दिस इज़ द गॉल्गी का मेरा एक वेसिकल फॉर्म हुआ होगा, और वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स आर देयर। ठीक है, अब आते हैं ये लाइसोसोम क्या होता है। स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस सैक मतलब एक सिंगल सी लेयर है, उसके अंदर मेरा लाइसोसोम प्रेजेंट होगा, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होते हैं, पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, बेसिकली एनिमल और प्लांट सेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो लाइसोसोम्स है, ये हाइड्रोलाइटिक का मतलब क्या है। इस वर्ड को अगर हम बात करेंगे या इस वर्ड को समझेंगे तो यहाँ पे आ जाओ। देखो लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक करना। ठीक है, लाइटिक का मतलब क्या है, ब्रेक करना, किसी भी चीज़ को तोड़ देना, उसको अलग अलग कर देना। हाइड्रो का मतलब होता है जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। देखो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो मेरे पास एक H2 है, ये H2O है, मतलब H मेरे दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, आई होप सो कि आपको दिख रहा हो कि मेरा H जो है वो दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो मेरे ये वाले बॉन्ड्स होंगे उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, ये लाइसोसोम्स काम करेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन करना है या उसको लाइसिस करना है, तोड़ना है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, प्रोटीन्स खा रहे हैं, उन सबको डाइजेस्ट कराना है, तो ये काम कौन करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स करेंगे। मैं लाइसोसोम्स के बारे में बात नहीं कर रही, मेरा लाइसोसोम के अंदर ही बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और ये सारे एंजाइम्स बहुत अलग अलग के लिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए होगा तो वो लाइपेसिस हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो भी होगा। देन उसके बाद फैटी फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, हर एक के लिए अलग अलग एंजाइम होता है और वो एंजाइम उसको डिवाइड करेगा। देखो लार्ज मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना उसके लिए होता है, प्रोटेक्ट करेगा सेल को, डिस्ट्रॉइंग फॉरन फॉर जो बाहर की बॉडीज़ होती है ना उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, एंड क्यों, बिकॉज बैक्टीरिया वायरस उनके जो बॉन्ड्स होंगे, उनके जो कंपोजिशन होगी उनको तोड़ेगा। भी आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एग्जैक्टली किन से बनी है, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स इन सब चीज़ों से बनी है। तो जब कोई से बाहर वाली बॉडी पर भी ये काम करेगा तो उनको वो थ्रू आउट कर देगा, डिग्रेडेशन करता है और ये डेड ऑटोलाइसिस करता है। देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड ये मार्कर पता नहीं कैसे चल जाता है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं और इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, ये बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, मतलब कोई भी सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के थ्रू चली जाती है इसके पास, न्यूक्लियस इसके पास कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो ये खुद की ही बॉडी को फॉरन बॉडी समझ लेगा और खुद की ही बॉडी पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ठीक है, और जैसे ही खुद की बॉडी पर अटैक करेगा तो इसकी खुद की जो बॉडी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये अपने ही सेल को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, अपने सेल के ब्रेक डाउन कर देगा। और जैसे ही अपने सेल को ब्रेक डाउन करेगा तो जैसे ही लाइसोसोम्स बाहर गए तो बाहर जाने के बाद ये पूरे ही ऑर्गन को या ऑर्गन सिस्टम को ख़त्म फिनिश कर देता है, एंड देन येस इसकी वजह से जो है सडन डेथ भी हो जाती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाई जो है एक पर्सन है वो सो रहा था एंड अर्ली मॉर्निंग देखा तो ही वॉज डेड, तो कुछ तो मिस या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसके ब्रेन से या उसके न्यूक्लियस से उसके पास गई होगी, सेल या सेल के पास उसके, तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द मेजर थिंग, मेजर चीज़ पे आते हैं, वैक्यूल। देखो वैक्यूल यहाँ पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करा हुआ, वाटर सिस्टम दिखा रखा है यहाँ पे ब्लू कलर का है, मतलब वैक्यूल किस चीज़ों को स्टोर करेगा, वाटर को। जितना भी मेरी बॉडी के अंदर लिक्विड होगा वो मैक्सिमम कहाँ जाएगा, इनटू द वैक्यूल, वैक्यूल में चला जाएगा। और वैक्यूल देखो ग्रीन कलर का, याद रखना प्लांट्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट होता है, एनिमल्स में फिर भी वैक्यूल मेरा छोटा सा होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में, सिंगल मेम्ब्रेन है, लिक्विड से भरा हुआ होता है, लिक्विड कोई भी चीज़ हो सकती है, वाटर भी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली शुगर हो गया, आयंस, वेस्ट मटेरियल जितना भी है जो मेरे सेल को नहीं चाहिए तो वो कहाँ फेंक देगा, वैक्यूल के अंदर, और वैक्यूल उसको मेरी बॉडी से बाहर निकालने का रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा। ठीक है, वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल्स के अंदर बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल भी होते हैं, और कुछ वैक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कि वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। देन आते हैं सेकेंड वाले पे, फंक्शंस पे, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करेगा, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है जो मेरे सेल को नहीं चाहिए, बट सिंस वो स्टोर है तो वो किस फॉर्म में होगी, वैक्यूल्स के फॉर्म में,
ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखता है, सबको समझ में आ गया होगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कि मेरा जितना भी बैलेंस होगा वाणी का एक सेल का उसको मेंटेन करके रखेगा, फूड पार्टिकल को भी स्टोर करके रखेगा इन द केस ऑफ अमीबा। अमीबा के बारे में भी मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली, उसमें बताया था कि किस तरह से जूडोपोडिया यूज़ करके वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके किस तरह से अपना खाना लेता है, ठीक है। देन टर्गिडिटी बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर पानी का प्रेशर बना के रखेगा, रिजिडिटी बना के रखेगा, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे वो सब। सो दिस इज़ दिस वन, आई होप सो दिस वन इज़ द लास्ट ऑर्गेनल। अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे हैं बट उनके बारे में डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अब बहुत लंबा होता चला जाएगा सेशन। सो नाउ कम्स टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बेसिकली पावर हाउस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस, ठीक है। पावर हाउस इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर क्या बनती है? ATP। ATP है, इसको देख लेना, याद रख लेना, अडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगी, सुन लो ध्यान से, अडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट मतलब इसके पास 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब भी ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की स्टोरी है, इसके बारे में भी हम आएँगे कम, इसके ऊपर भी हम आएँगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं अभी हम। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन डबल मेम्ब्रेनस है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन है, अंदर जो है मैट्रिक्स होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने साइटोप्लाज्म नहीं बोला या माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्म नहीं बोला बिकॉज इसके अंदर फ्लूइड कंटेंट कम होता है, जो इसका अंदर का कंटेंट होगा जेली लाइक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैट्रिक्स है, सिस्टर्न क्रिस्टेज आर देयर। आपको ये जो फोल्डिंग्स दिखाई दे रही होंगी, इसके अंदर ये वाली फोल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? क्रिस्टेज आर देयर, ठीक है, क्रिस्टे हैं। एंड देन उसके बाद DNA, हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम होता है, खुद का DNA होता है, ये खुद की एनर्जी बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ दी सेल बोला जाता है, ठीक है। तो ये थी मेरी, अब आते हैं हम इसके, हम थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है। स्मॉल होते हैं, रॉड शेप लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होती है, डबल मेम्ब्रेन बता दी, हमेशा आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगी, कंटेंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर होगा, ठीक है। फिर आते हैं प्रोजेक्शन सिस्टर्नेज आर देयर, मैट्रिक्स आर देयर, DNA खुद का होगा, खुद के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, और ये खुद को भी खुद डिवाइड कर लेता है, अपने आप को खुद डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। फंक्शंस क्या है? एनर्जी हमेशा ATP के अंदर होगा, ATP मॉलिक्यूल जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखो, हमें खाना खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने के लिए जो है क्या चाहिए? एग्जैक्टली एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, ठीक है, थीके? तो वो सारी एक्टिविटीज़ के लिए मेरे को एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? वो मुझे प्रोवाइड करेगा टू दिस। नाउ वी केम्स टू दी, अब हम जो आते हैं इसके ऊपर आते हैं बेसिकली प्लांट सेल के बारे में। हमने मैक्सिमम चीज़ों के बारे में बात कर ली है। देखो प्लांट सेल है, सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, सेल वॉल इज देयर, पता चल चुका है। उसके बाद वैक्यूल है, देखो वैक्यूल यहाँ पे आपको 9th में बहुत मैक्सिमम बड़े वाला दिखाई दे रहा होगा। आफ्टर दैट न्यूक्लियस होगा मेरे पास, ठीक है। देन उसके बाद गॉल्गी अपैरेटस भी आपको दिखाई दे, नंबरिंग आर देयर, वेसिकल्स है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रियाज आर देयर, स्मूथ रफ एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ मेरे को डिफरेंटली दिख रही है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्रीन कलर का आपको ये दिख रहा है ना, ये 7 कलर का ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट मेरा। और किस तरह का होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। देखो होता क्या ना, एग्जैक्टली ये भी एक मेरे पास मेम्ब्रेन इस तरह का होता है, ठीक है। ये मेरे पास एक सिंगल मेम्ब्रेन आ गई, देन इसके बाद मेरे पास कौन सा है? डबल मेम्ब्रेन। अगेन क्लोरोप्लास्ट भी मेरे पास 2 मेम्ब्रेन का होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन कलर की आपको स्टैक्स दिखाई दे रही है, ये सारी स्टैक्स होती है थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन की, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर देती हूँ, देन यू विल बी एबल टू सी दैट पिक्चर। देखो अब आ जाते हैं इसके ऊपर, आई नो कि मैग्निफिकेशन थोड़ी सी खराब हो गया बट इतनी भी बेकार नहीं है, दिख रहा है। डबल लेयर इज देयर, देखो ये आउटर लेयर है, ये इसके इनर लेयर है। देन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, तो ये कुछ ऐसा सा रिजेम्बलेंस आ रहा है। देखो ये कि मैंने बहुत सारे कॉइन्स को एक के ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में रख दिया है, तो ये जो मेरे बन रहे हैं इसको हम बोलते हैं थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन्स। और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करेगा? ये पिगमेंट कैरी करता है, ये क्या करेगा? पिगमेंट कैरी करेगा। और ये पिगमेंट कौन सा होगा? ग्रीन कलर का। कौन सा पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर का होता है। और इसी वजह से जितना भी प्लांट होता है उसका कलर कितना हमें दिखाई देगा? ग्रीन कलर का। बेटा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम क्लोरोप्लास्ट के, ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो फंस जाओगे। पिगमेंट बेसिकली 3 से 4 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ज़ैंथोफिल, ज़ैन, बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो बहुत अलग अलग येलो कलर के भी होते हैं, कुछ प्लांट की लीव्स रेड कलर की भी होती हैं, कुछ प्लांट की लीव्स जो हैं बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ डिफरेंट पिगमेंट्स इन दैट क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर अलग अलग होगा जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। नाउ वी केम टू दी
नेक्स्ट पे आते हैं एनिमल सेल पे आते हैं, इसमें भी वही सब चीज़ें हैं, न्यूक्लियस इज देयर, गॉल्गी एपरेटस इज देयर, वेसिकल्स आर देयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो साइटोस्केलेटन क्यों, साइटोस्केलेटन यहाँ पे थे पर मेरे वहाँ नहीं है। साइटोस्केलेटन बेसिकली वो चीज़ है जो एक ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें भी फाइब्रल्स होते हैं, बहुत सारी मायोफाइब्रल्स आर देयर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेंट्रियोल्स आर देयर, सेंट्रियोल्स मेरे स्केलेटन सिस्टम को हेल्प करेगा, बहुत सारी चीज़ें फर्दर होती हैं। डू नॉट गो इन टू दैट डिटेल्स, सिर्फ फंक्शन याद रखने हैं। लाइसोसोम्स पता है, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सो नाउ वेन एवर वी केम्स टू द कंपेरिजन, ना हम जब भी कंपेरिजन पे आते हैं तो हमें एक ही चीज़ बार बार देखने को मिलती है कि दोनों सेल बेसिकली तो मिलते जुलते हैं बट स्टिल इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती है, ठीक है। देखो एनिमल सेल वॉज एबसेंट, इट वॉज प्रेजेंट, प्लास्टिड्स आर एबसेंट, इट वॉज प्रेजेंट, वैक्यूल स्मॉलर साइज का होता है, इसमें बिगर साइज का होता है, कम नंबर के होते हैं, इसमें लार्जर नंबर के होते हैं, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, सेंट्रियोल्स आर एबसेंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कंपेयर करनी आनी चाहिए, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल सेल का डिफ्रेंसिएशन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक लास्ट चीज़ रह गई है मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड, ये है प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स पे, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि कोई भी सेल होगा ना, प्रो का मतलब देखो इसको थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे अगर हम, एक सेकेंड, प्रो का मतलब ही क्या होता है, प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब कि मेरी सबसे पहली कोई भी चीज़ अगर एनवायरनमेंट में आई होगी तो वो कौन सी होगी, प्रोकैरियोटिक सेल। सिंगल सेल होता है, ये सिंपलर वर्जन होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, ये इतना सिंपल होता है कि बहुत इजीली स्टडी किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस इसका अनडेवलप्ड, अभी आपने देखा पीछे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर, न्यूक्लियर एनवेलप इज देयर, न्यूक्लियोलस इज देयर, क्रोमैटिन, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, बट उसमें न्यूक्लियस बहुत सिंपल सा होता है, उसमें कुछ नहीं है, क्रोमोसोम्स पूरी तरह से फैला हुआ होता है, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड हो गया, गॉल्गी अपैरेटस हो गया, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं जहाँ पे मेरी दूसरी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द रेंजेस बहुत ही माइन्यूट है और एग्जांपल दे दिया, ये एग्जांपल याद रख लेना, बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गे, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। देन आते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ऑल दूस थिंग्स दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर, न्यूक्लियर पोर आर देयर, न्यूक्लियोलस आर देयर, क्रोमैटिन इज देयर, न्यूक्लियोप्लाज्म आर देयर, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। क्रोमोसोम्स एक से ज़्यादा होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, अभी आपको समझाया कि कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, कुछ कौन नहीं हैं, रेंज कहाँ से आएगा, इतना हो जाएगा। और ऑर्गेनिजम्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन बी आर ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी, ठीक है। सो लास्ट वर्जन इज़ देयर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई वीडियो, एंड येस मैं हर बार बोलती हूँ, डू लाइक, हमेशा आप लोग कंजूसी करते हो लाइक करने में, शेयर कर दो भाई, कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का शेयर करने में, इट्स जस्ट नॉलेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाएंगी। एंड येस सब्सक्राइब कर दो फॉर वॉचिंग माई ऑल टुगेदर न्यू वीडियोज़, वट एवर यू वॉन्ट्स टू वॉच, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।